मुंबई हावड़ा गीतांजलीच्या एसी डब्यात बिघाड, प्रवाशांचे मात्र हाल। भुसावळ रेल्वे स्थानकात मुंबई हावड़ा गीतांजली एक्सप्रेसच्या सर्व वातानुकूलित डब्यांमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने प्रवाशांचे अतोनात हाल झाल्याचे दिसून येत आहे। भुसावळ स्थानकावर 2 तासांपासून वातानुकूलित डब्यात बिघाड झाल्याने हजारो प्रवाशांचे हाल झाले असून प्रवाशांनी झालेल्या गैरसोयीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे। एकीकडे रेल्वे प्रशासन प्रवाशांच्या पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी अनेक पावले उचलत विविध उपाययोजना राबवत चालना देण्याचे सांगत आहे। प्रवाशांची असुविधा व हाल तर रेल्वे पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यासाठी राबवत असलेल्या उपाययोजना पाहता सुरू असलेला कारभार राम भरोशे असल्याचे दिसून येत आहे। ब्युरो रिपोर्ट, महान्यूज 19, भुसावळ। बारह बजे से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, प्रॉब्लम परेशान तो हो रहे हैं लोग, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। काफ़ी देर से सुबह से एसी का काफ़ी यहाँ पे दिक्कत चल रहा था और यहाँ पे ये भी खबर मिली है कि कुछ समय से इस ट्रेन में कोच की पोजीशंस जो है ये एसी की इसी तरीके से है, बंद हो जाती है, एसी बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। उसके बावजूद अभी देखिए सब छोटे छोटे बच्चे वगैरह हैं, लेकिन अभी देखिए पसीने में सब सारे हम लोग लथपथ हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। अब कहीं से कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है कि क्या होने वाला है, कितनी देर ट्रेन खड़ी रहेगी और कभी क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समर सीज़न में, गर्मी के सीज़न में ये काफ़ी मतलब बहुत परेशानियों का काफ़ी सामना करना पड़ रहा हम लोगों को। ये देखो इसका हालत, देखो क्या हालत है। अभी इसका कुछ हुआ तो हम क्या करेंगे? तो रेलवे प्रशासन की ओर से अभी अभी तक आपको कोई जवाब? इनको बोलते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं, हम कर रहे हैं, आ रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं। ये कितना देर से चल रहा है ऐसा? ये सुबह से हम लोग बैठे तभी से, एक दो घंटा खाली ट्रेन बराबर चला था एसी, उसके बाद से एसी बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है, बंद हो रहा है। क्या कहा गया? रेल मंत्री से बात करो, मैं बोला किस तरह से मिलूंगा, नंबर मिलेगा तो बात करेगा, कहाँ से मिल जाएगा? मतलब सब उल्टा जवाब दे रहे हैं, उल्टा जवाब दे रहे हैं। लाइन पे कोई नहीं है, फोन करेगा। हां डेट एक्ट तो समझ ही नहीं आता था अब सर बात करने के लिए। नहीं चला गया, वैसे क्या बात, न्यूज़ बोलो।